कि वजन क्यों बढ़ा है, सबसे पहले इसको हमने देखना है। क्या फैट डिजोल्व करने की दवाई देनी है या कोई हॉर्मोन्स की वजह से बढ़ा है, थायराइड की वजह से बढ़ा है। आइडियली जो आपका वजन मुकाबले ज्यादा समय था वही सारी उम्र रहना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। किसी का भी वजन 65 से ज्यादा नहीं था। एक चम्मच चीनी अगर आप रोज कम लें तो 365 चम्मच एक साल के होंगे, उसकी वजह से 1 किलो आपका वजन कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो कारगर है वजन कम करने वो है मेथी, और मेथी से हमारी डायबिटीज भी कंट्रोल पे रहती है, हमारा वजन भी कंट्रोल। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, हर कोई स्लिम ट्रिम स्मार्ट होना चाहता है, हर कोई पतला होना चाहता है। आजकल वैसे भी लोगों का खा खा करके वजन बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में वजन कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी। देखिए, वजन तो वाकई हर इंसान अपना कंट्रोल में रखना चाहता है, तो आइडियल वजन का टेबल मैं उस पर समय नहीं लगाऊंगा, वो गूगल कर सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं आसानी से। आइडियली जो आपका वजन मुकाबले ज्यादा समय था वही सारी उम्र रहना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। और किसी का भी वजन 65 से ज्यादा नहीं था। लोग 90, 95, 100 किलो लेके घूमते हैं तो वो अवॉइड करें, कम से कम वजन हो तभी फायदेमंद है। जितना कम होगा, देखिए शरीर हमारा बना है 60-65 के वजन को ढोने के लिए। हमारे जो घुटने हैं, वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, वो भी आपने देखा होगा घुटनों की सर्जरी बहुत ज्यादा हो रही है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है हमारे बैड पोस्चर और कई सारी। खैर, आज हमने बात करनी है वजन कम करने। एक चम्मच चीनी अगर आप रोज कम लें तो 365 चम्मच एक साल के होंगे, उसकी वजह से 1 किलो आपका वजन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मीठा, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद कम कर लें। हालांकि शहद को नींबू के पानी में मिला के लेना वजन कम करने में सहायक गिना जाता है, लेकिन कम से कम ही इस्तेमाल करें और वो सुबह खाली पेट आप खा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो कारगर है वजन कम करने वो है मेथी। मेथी कई तरीके से ले सकते हैं हम। मेथी का पानी ले सकते हैं, मेथी के स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स की जानकारी है ही नहीं, मैं लगभग हर मरीज को बताता हूँ लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं, और लोग मेथी को कड़वा समझते हैं, वो दूरी बनाते हैं। और मेथी से हमारी डायबिटीज भी कंट्रोल पे रहती है, हमारा वजन भी कंट्रोल पे। तो सुबह सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं मेथी का पानी पीने में, और डायबिटीज से लेकर पेट संबंधी सभी समस्याओं को आप कंट्रोल में रख सकते हैं, इतना शानदार मेथी का पानी। तो सबसे पहले हम मेथी के पानी की बात कर लेते हैं। तो या फिर देखो, भारत में वैसे तो सब्जी में मेथी, पराठों में मेथी और मेथी के लड्डू, तो लड्डू सुनकर तो खैर मुंह में पानी आ गया होगा सबके, लेकिन ये इस्तेमाल हो रही है। लेकिन स्प्राउट्स के रूप में और मेथी के पानी के, ये दो चीजें में मेथी इस्तेमाल नहीं की जाती जबकि करनी चाहिए। ये दो तरीके बहुत ज्यादा, तो इसका कारण ये है कि लोग मेथी घर पे बैठे लोगों को आसानी से हो गए। तो मेथी में बहुत सारे विटामिन हैं और बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये दवाई से लेकर कॉस्मेटिक हर तरह घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल की जाती है। सुबह उठकर सबसे पहले मेथी के दाने का पानी पीने से शरीर के दूषित तत्व तो बाहर निकल जाते हैं, डिटॉक्सीफायर का काम करते हैं, साथ ही डायबिटीज और कब्ज समस्याएं भी कंट्रोल में रहती है। कैसे बनाएं मेथी का पानी? तो मेथी का पानी बनाने के लिए 10 मिनट का समय लगता है। आप 1 से 1.5 चम्मच मेथी के दानों को रात में ही पानी में भिगो दें, सुबह उठकर इस पानी को अच्छी तरह से छान लीजिए और फिर इसे खाली पेट पी लीजिए।
बचे हुए जो मेथी के दाने हैं उनको भी खा लीजिए, और स्प्राउट्स नाश्ते में इसके आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स के लिए आपको 24 घंटे मेथी के बीजों को पानी में भिगोना पड़ेगा, फिर 24 घंटे गीले कपड़े में भरना, ये आप नाश्ते में ले सकते हैं, आधी कटोरी आप ले सकते हैं। इन दोनों तरीकों से मेथी का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है, मेथी की तसीर गर्म होती है, गर्भवती महिलाएं इसे ना लें। अगर लेना है तो अपने डॉक्टर से सलाह कर लें। तो अब हम मेथी के पानी मैंने बता दिया आपको, स्प्राउट को, अब इसके फायदे क्या क्या हैं वो गिना। सबसे पहले वजन कम करने में मददगार है, क्योंकि मेथी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में, तो फाइबर अगर आप ले लोगे तो शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और ये वजन कम करने में सहायक है। त्वचा और बालों को स्वस्थ, मेथी के दानों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन को स्वस्थ और डिटॉक्सिफाई, शरीर से अगर आपके निकल जाएंगे टॉक्सिन्स तो नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी, त्वचा को जल्दी हील करते हैं। इसके अलावा बहुत से कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेथी में मौजूद जो प्रोटीन है वो तो बालों के झड़ने को भी कम करता है। पेट संबंधी समस्याओं को कम करता है मेथी। सभी पाचन तंत्र को दुरुस्त, पानी जो है मेथी का खास पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। अगर आपको पेट संबंधी कोई विकार है, बीमारी है, तो मेथी का पानी जरूर रोजाना पिए। आसान है, रात को भिगो रखते हैं और सुबह छान के पीने, कुछ भी नहीं है, इतना आसान। जो हमारा हार्ट है, हार्ट को मेथी का पानी हार्ट को खुश रखता है। क्यों खुश रखता है? क्योंकि दिल में ऑक्सीडेंट स्ट्रेंथ को, स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, नेचुरली दिल को खुश करता है। सो डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मेथी के दाने पौराणिक समय से डायबिटीज को नियमित रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मेथी के पानी का रोजाना सेवन कीजिए और अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखिए, अपनी कब्ज को कंट्रोल में रखिए, पेट को साफ रखिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, हेयर हेल्दी रहेंगे, हर तरफ से आप तंदुरुस्त रहेंगे। जी मैम, क्या इसके अलावा होम्योपैथिक में भी कोई दवाई होती है? देखिए, दवाइयां हर सिस्टम में है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, हमारा काम है, हम कारण ढूंढते हैं बीमारी का क्या है। अगर आपने खा खा के वजन बढ़ाया है तो आपको खाने की दवा देंगे। हाँ, एक हमारी दवाई खास आती है जो भूख को भी थोड़ा सा रोकती है। हालांकि ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये करनी पड़ती है कई बार। तो फाइटोलोका बेरी, मदर टिंचर ये, और साथ में फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर, ये दो दवाइयां हैं जो मदर टिंचर के रूप में हम बेसिकली वजन कम करने के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन इसको चिकित्सक से आप अप्रूव करा के ही लीजिए, खुद इसको मत लीजिए। तो फाइटोलोका बेरी जो है वो वजन को फ्रैंक खाने के बाद लेनी होती है। इसी तरह फ्यूकस वेसिकुलोसिस जो है, जो भूख को थोड़ा सा कम कंट्रोल में रखती है, उसको हम खाने से पहले देते हैं। तो ये दो दवाइयां वजन कम करने में सहायक होती हैं। लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा कि वजन क्यों बढ़ा है, सबसे पहले इसको हमने देखना है, क्या फैट डिसॉल्व करने की दवाई देनी है, या कोई हार्मोन्स की वजह से बढ़ा है, थायराइड की वजह से बढ़ा है। तो आप पहले आप अपने होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाइए, उनसे बातचीत करें। पूरी कंसल्टेशन लेने के बाद आपको समझ आएगी कि इसका, आपके डॉक्टर इसको समझेंगे और फिर इसके कारण का निवारण करेंगे, ताकि आपका वजन जब कम हो जाए तो वहीं रुका रहे। और देखिए वंदना जी, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, सबसे पहले मैंने आपको मीठा बताया, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स आप बंद कीजिए, चावल कम से कम खाइए, गेहूं कम से कम खाइए, क्योंकि आजकल की जो गेहूं है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उसमें ग्लूटेन है, 8 से 10 घंटे हजम करने में लगते हैं। कोशिश कीजिए वो कम से कम खाएं और दूध के प्रोडक्ट कम से कम खाएं। अगर आप ये चारों चीजें अपने खाने से निकाल दें, मीठा, गेहूं, चावल और दूध के प्रोडक्ट, अगर ये चारों आप अपने खाने में से निकाल दें तो आपका वजन बढ़ ही नहीं सकता।
अगर कोई सिस्टमिक डिजीज है तो उसका इलाज तो कराना पड़ेगा। नॉर्मल इंसान को अगर वेट कंट्रोल करना है तो इन चार खाद्य पदार्थों को या इनसे बने प्रोडक्ट्स को अपने उस खाने में से निकाल दें, इसकी बजाय मोटे अनाज पे आ जाए, मिलेट्स, 5 श्री धान्य मिलेट्स, हमने आपने कई बार बात की है उनकी, तो उस पे आ जाए। उसके लिए डिटेल्ड मेरे चैनल पे भी सब लोग BRHK खरबंदा मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके सब डिटेल में डॉक्टर खादरवली के साथ मेरी लगभग 10 वीडियोस वहां पर हैं, तो विस्तार में पूरा जानकारी। डॉक्टर खरबंदा, कई बार लोग वजन कम करने के चक्कर में डाइटिंग करते हैं और उन्हें फिर चक्कर आने लगते हैं। देखिए, डाइटिंग स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है और ये अमेरिका वाले फैनेटिक हो जाते हैं, कभी कुछ डाइटिंग 16 घंटे नहीं खाना, कभी कुछ नहीं करना, क्रैश डाइटिंग आ रही है, कभी कुछ, ये रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करना। देखिए, आयुर्वेद में 4 बार खाने की बात की गई है दिन में, तो कैसे हम डाइटिंग कर सकते हैं? हाँ, हफ्ते में एक बार उपवास रख सकते हैं। उपवास में आप कुछ चीजें जैसे सॉलिड्स आप ना खाएं, या अनाज को बंद कर दें, या मीठा बंद कर दें, कुछ ऐसा प्रावधान होता है, लेकिन उसमें भी फलाहार और लिक्विड्स ये बंद नहीं होते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रक्रिया है, तो अंडर मेडिकल सुपरविजन आप डिटॉक्सिफाई शरीर को जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्रैश डाइटिंग या 16 घंटे की डाइटिंग, ये सब बकवास है, इनसे दूर रहना चाहिए। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।